कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्र। इस टाइम हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव 2024 है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस टाइम बने हुए हैं मुख्य चुनौती बीजेपी के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में वो चुनाव में किस तरीके से अपनी चुनौती पेश करेंगे। हमारे संत मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी, युवाओं को सबसे पहले क्या देंगे? देखिए, युवाओं का जो है मौजूदा सरकार जो है 10 साल से 2 लाख नौकरी खाली, जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में कानून व्यवस्था में केंद्र सरकार नंबर एक था, आज नंबर एक हो गया बेरोजगारी जी। तो उनको रोजगार का करेंगे, हालात बनाएंगे, रोजगार करेंगे, 2 लाख सरकारी नौकरी। खास तौर पर जो आपने कहा है कि सबके इलाज के लिए 25 लाख रुपए की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? और इसके अलावा आपने 7 गारंटी बताई है। हमने 7 गारंटी में ये भी है ना, राजस्थान में किया था जी, राजस्थान के उसके ऊपर हम करेंगे। राजस्थान में तो क्या था जी, वो जो है खासतौर पर किसानों को क्या देंगे और बूढ़ा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन हम 6,000 रुपये और किसानों को जो है जितनी MSP तय होगी उसकी लीगल गारंटी देने का कोई ना कोई कानून रास्ता निकालेगा। खास तौर पर जो स्थितियां आ रही हैं उसमें बात हो रही है कि आपने कहा गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, हाँ। तो वहां पे उस गुंडागर्दी से कैसे निपटेंगे और किसानों को MSP लीगल देने की जो बात है, देश का कानून बनाऊ, प्रदेश में कानून ऐसा बनाने की प्रयास करेंगे कि हरियाणा में कोई MSP से कम खरीद के करेगा तो उसकी सजा होगी जी। लीगल गारंटी और क्या होता है जी। और दूसरा ये कि आप स्पोर्ट्स को हमेशा बढ़ाते रहे, खुद भी आप टेनिस प्लेयर रहे हैं, अब आप खिलाड़ियों को क्या देंगे? आपका जब नई हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो नीति फिर से लागू करें। और निवेश के लिए खास तौर पर आज 20वें पायदान पे पहुंच गया हरियाणा, जिसको आपने नंबर एक बनाया था उसको लेकर आपके मन में निवेश, हमने IMT बना रखे हैं, निवेश आया। एक ऐसा भी समय था जापान की 70% निवेश जो है हरियाणा में थी, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे तो ज्यादा निवेश, निवेश भी लाना है। और जो सबसे बड़ी बात है महिलाओं को उनका हक मिले, और ताई महिलाओं का मैनिफेस्टो अलग भी लेके आएंगे हम। खास तौर पर मैं चलते चलते जानना चाहता हूँ, जो आपने एक पड़ बाबा से लेके स्वराज पार्टी से लेके आज कांग्रेस तक की चौथी पीढ़ी सेवा कर रही है, इस चौथी पीढ़ी को लेके आप क्या भविष्य देखते हैं आने वाले समय में, और जो दबाव है उस दबाव को आप कैसे फेस कर रहे हैं? नहीं, आपकी विरासत है ना, हमेशा अच्छा ही किया आपने। वो तो जो जिसके मुकद्दर में होगा, जो जिसकी मेहनत होगी, जिसको जो लोग पसंद करेंगे वो आगे जाएगा। तो लोकतंत्र है ये, तो लोगों के जनमत जहां जाएगा वहीं जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कहना है कि इस बार सरकार उन्हीं की बनेगी, दावा कर रहे हैं और ये भी मान के चल रहे हैं कि हरियाणा का जो हक है वो उसको उनकी सरकार जरूर देगी। अब देखते हैं 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो किस तरह का रिजल्ट निकल कर आता है और किसकी सरकार का गठन होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।